पिछले कुछ दिनों से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्टकार्ड काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। सच्चाई क्या है, हमने इसकी पड़ताल की। क्या भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं? एक पोस्टकार्ड शेयर करते हुए कुछ लोग ऐसा ही दावा कर रहे हैं। इस पोस्टकार्ड में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और धोनी की तस्वीरें लगी हैं। साथ ही लिखा है, मैं महिला पहलवानों के साथ हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना मेडल त्याग दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान। दरअसल कुछ दिनों पहले साक्षी मलिक ने एक ट्वीट के जरिए धोनी पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था, हमें खुशी है कि कम से कम कुछ खिलाड़ियों और चेन्नई सुपर किंग्स को वो सम्मान और प्यार मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई अभी भी जारी है। इस ट्वीट के बाद से बहुत सारे लोग धोनी से अपील कर रहे थे कि उन्हें पहलवानों का साथ देना चाहिए। अब इसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि धोनी ने सचमुच पहलवानों के आंदोलन को समर्थन दे दिया है। इसकी तारीफ करते हुए कई लोग उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। पहलवानों का आंदोलन लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कई सदस्यों ने भी हाल ही में इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। इसके अलावा अनिल कुंबले, रॉबिन उथप्पा और इरफान पठान जैसे क्रिकेटर्स ने भी कहा कि वो आंदोलन कर रहे पहलवानों के साथ हैं। जाहिर है, ऐसे में अगर सचमुच धोनी जैसे लोकप्रिय खिलाड़ी ने इस बारे में कोई बयान दिया होता तो यकीनन इसे लेकर चर्चा होती, लेकिन हमें ऐसी कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। धोनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमें पहलवानों के आंदोलन को समर्थन से संबंधित कोई बयान नहीं मिला। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए अपने मेडल तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये बयान पूरी तरह से फर्जी है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रोहित शर्मा और MS धोनी हाथों में भगवद गीता की कॉपी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। कई यूजर्स ने तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि दोनों कप्तानों की सफलता की वजह गीता है, लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में दिखे। दरअसल भगवत गीता का परिचय की एक प्रति पकड़े हुए उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद वो ट्विटर पर सुर्खियों में आ गए थे। अब धोनी के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है। कथित रूप से ये दावा किया जा रहा है कि वे भगवत गीता का परिचय पढ़ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने तस्वीर को वायरल करते हुए लिखा कि रोहित ने 5 IPL ट्रॉफी जीती है, धोनी ने 5 IPL ट्रॉफी जीती है। क्रिकेट इतिहास के दो महान कप्तान, जब आप सही रास्ते पर होंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी, भगवत गीता की शक्ति। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, इसके लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। वायरल तस्वीर को गूगल पर रिवर्स सर्च किया गया। इसके जरिए रोहित शर्मा का 30 अक्टूबर 2020 का एक ट्वीट मिला। इसमें एक तस्वीर थी जिसमें उन्हें क्रिकेट द्रोण फॉर द लव ऑफ वासु किताब हाथ में लिए हुए देखा जा सकता है। दरअसल यह पुस्तक क्रिकेटर से कोच बने वासु परांजपे के जीवन और करियर को लेकर लिखी गई है। किताब को पूर्व क्रिकेटर परांजपे के बेटे और वर्तमान क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य जतिन परांजपे और खेल पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई थी। रोहित शर्मा ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि क्रिकेट जगत के एक महान व्यक्ति के बारे में क्रिकेट द्रोणा एक अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। वासु सर मेरे करियर के प्रभावशाली लोगों में से एक रहे हैं, जिन्होंने मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और मुझे युवा अवस्था के दिनों में आत्मविश्वास दिया, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। मतलब साफ तस्वीर के जरिए छेड़छाड़ की गई थी। रोहित शर्मा की जो तस्वीर दिखाई जा रही वो एडिट की गई है। रोहित शर्मा के हाथ में भगवत गीता का परिचय नाम की पुस्तक उनके फोटो को एडिट करते हुए जोड़ी गई है। जिस तस्वीर को एडिट किया गया उसमें वो क्रिकेट विषय पर लिखी एक किताब पकड़े हुए थे। रियल तस्वीर 30 अक्टूबर 2020 को पोस्ट की गई थी, जिसमें वे क्रिकेट द्रोण फॉर द लव ऑफ वासु नाम की पुस्तक हाथ में पकड़े हुए थे। शीनू मैगी सुरेश के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।